Hello students, welcome to Himalaya Edu Hub. Today we will discuss about the syllabus of biology, and biology which you choose for the CUET 2023, biology have the five units. Biology में आपके पाँच units हैं. पाँच units में first units आपकी जो है वो reproduction है. Reproduction में हम बात करेंगे animal reproduction in animals and reproduction in plants. और प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम दोनों के बारे में बात करेंगे इसमें. एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ जो है आपका बाई बर्ड, बाई जूस पॉर, बाई कोनिडिया, डिफर डिफर जो इसके मेथड्स हैं, बडिंग के, प्रेगमेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट्स, इन सब के बारे में एक क्वेश्चन सीरीज के द्वारा, बाय क्वेश्चन सीरीज हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे. आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावरिंग प्लांट्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. एंडोशियम, गाइनेशियम, स्टैमन, पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम से फिर आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे. हम प्री फर्टिलाइजेशन जो जितने भी चेंज होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उनके बारे में बात करेंगे. फिर हम फर्टिलाइजेशन में हम प्लांट्स में सिनगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में देखिए क्या करते हैं हम, एम्ब्रियोजेनेसिस आपका प्लांट्स का भी स्टडी करेंगे और एनिमल्स में भी स्टडी करेंगे. एनिमल्स में स्पेशली अपने किसका दे रखा है, ह्यूमन बींग का दे रखा है. तो ह्यूमन बींग में अपन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गैमीट, स्पर्म और ओम कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन सीरीज के को साथ में लेते हुए, क्वेश्चन सीरीज इसकी होगी, क्वेश्चन बनाए हुए होंगे और उनको जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो उनके साथ साथ आपका कंटेंट भी एक्सप्लेन होता जाएगा. और साथ में बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि टाइप के क्वेश्चंस आपके सीयूटी 2023 में पूछे जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड. आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात के उसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक मेजर इशू है और उसके बारे में आपकी जो यूनिट है फर्स्ट उसमें दिया हुआ है. उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसके बारे में स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा, और इनफर्टिलिटी और डिफरेंट जो आपका जो इनफर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक है IVF, जिप्ट और गिफ्ट, ये सब अपन क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उनके बेस पे उनको सॉल्व, उनको आधार मानते हुए अपन इनको सॉल्व करेंगे. ये आपकी एक फर्स्ट यूनिट है. सेकेंड यूनिट आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन. जेनेटिक्स में इंट्रोडक्शन आपका मेंडल के लॉज, उन मेंडल के लॉज का एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, उनके इनकम्प्लीट, डोमिनेंस करेंगे, कोडोमिनेंस करेंगे, और उसके साथ साथ में अपन बात करेंगे आप जो क्रोमोसोम और जीन का रिलेशंस क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन डिफरेंट डेट में बर्ड्स में करेंगे, आपका ह्यूमन बींग में सेक्स डिटरमिनेशन, हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन, और साथ साथ में आपका तीनों हो गया. उसके बाद में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, उससे इनहेरिटेंस जो क्रोमोसोम सेक्स से रिलेटेड है उनके साथ आपका ऑटोसोमल्स करेक्टर्स इनहेरिटेंट होते हैं उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, और डिफरेंट डिजीज़ हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं उनके बारे में, जैसे थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, और थ्री मेन जो डिसऑर्डर हैं आपके, एक वेजिटेटिव जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, दूसरे दो आपके टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो हैं, ये तीनों आपके देखेंगे. टर्नर, क्लाइन फेल्टर इस जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है इनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट इसका जेनेटिक्स का बेस कौन है, जेनेटिक्स का बेस आपका मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हमारे करेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे जाते हैं, मेंडल ने लॉ दे दिए कि गैमीट होते हैं, गैमीट फ्यूजन होते हैं और फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है. बट ये मोलिकुलर बेस एट जब बायोलॉजी का और ज़्यादा इसमें अपन ने इम्प्रूवमेंट किया तो आपको पता लगा कि मोलिकुलर बेस जो फैक्टर है वो जीन है, जीन और जीन क्या करते हैं करेक्टर को कैरी करते हैं उसका हम देखेंगे. तो पार्ट ऑफ जो DNA है जो फंक्शनल है वो जीन है, तो जीन के बारे में स्टडी करेंगे. DNA की हमारी पैकेजिंग कैसी होती है, DNA की जो है रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेंट्रल डॉग्मा क्या है,
रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, उसके बारे में भी हम क्वेश्चन सीरीज से को सॉल्व करते हुए अपन इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है जीन रेगुलेशन, जीन कैसे रेगुलेट करते हैं, लेकोपेरोन मॉडल क्या है, और उसके बाद में आफ्टर दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट वन आपका है एवोल्यूशन, ओरिजन आफ्टर दैट एवोल्यूशन, प्रोकैरियोटिक से शुरू हुए आप यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आप कॉर्डेटा तक चले गए, कॉर्डेटा में भी आप मैमल्स प्राइमेट्स तक चले गए, इतना ज़्यादा चेंजेज ये कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से बात करेंगे, बिग बैंग से बात करेंगे अपन, बिग बैंग से बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एविडेंस क्या है हमारे पास। कोई कहता था कि नहीं ये मड से ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, और मड से ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए तो उसको कैसे किसने रिजेक्ट किया, लुईस पास्चर का क्या रोल है इसमें, और स्टेनली मिलर ने कैसे प्रूव किया डिफरेंट बायोलॉजिकल एविडेंस को। और आफ्टर दैट हम डार्विन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, थ्री थ्योरीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेमार्क और ये डार्विन, और उसके बाद में हुगो डी ब्रीज, उनका इवोल्यूशन में क्या रोल है, और डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस आते हैं उसमें, म्यूटेशंस और रिकॉम्बिनेशन से कैसे वेरिएशंस आता है, नेचुरल सिलेक्शंस कैसे होता है। ये क्वेश्चन सीरीज जब अपन इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड बनी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करेंगे तो वन बाई वन ये हमारे टॉपिक ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और उसके साथ साथ आप जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट और हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, अडेप्टिव रेडिएशंस और ह्यूमन इवोल्यूशंस, इसके बारे में अपन यूनिट सेकंड में बात करेंगे। थर्ड यूनिट जो आपकी